तो हेलो गाइस यार, कैसे आप सब? फिर से आपका स्वागत है मेरे एक और न्यू व्लॉग में। तो गाइस आज हम कहाँ जाने वाले हैं? पहले बता देता हूँ हमारे साथ कौन कौन है। एक ये, अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। सुकराज एसकेराज डीजे साउंड। और दूसरा हमारा एक ही अरुण ब्रो। अभी हम जा रहे हैं नेहरू प्लेस। और भाई अभी तो जब फिलहाल हम हैं इस्कॉन के पार्क में, जो इतना बड़ा पार्क है कि मुझे भी नहीं पता कितना बड़ा पार्क है। और हम जा किस ले रहे हैं इसको, एक ही अरुण ब्रो को एक व्लॉगिंग सेटअप दिलाने के लिए। अब ये मत समझना कोई कैमरा या माइक, भाई इतना भी वो नहीं है। मतलब सिंपल से एक ट्राईपॉड लेने जा रहे हैं। और भाई मैं भी लेने जा रहा हूँ यार, मतलब देख रहे हो ट्राईपॉड हाथ में लेकिन व्लॉगिंग चल रही है हाथ में। भाई इसका माउंट नहीं है और ये पदोड़ा का भी देता भी नहीं है, ठीक है? तो भाई मेरे पास नहीं है कुछ भी, मेरे पास फोन है और फोन है और वो माउंट है। अब मेरा भी तो ये क्या है, गोरिल्ला ट्राईपॉड तोड़ दिया इसने। मैंने, अबे भाई बस रहने दे गाले। फिर भी एक बात बता, गोरिल्ला ट्राईपॉड तेरे कारण छूटा है किसके कारण छूटा पहले भाई? वो इसके कारण छूटा था गाइस। पता है इन लोगों ने ना मेरा गोरिल्ला ट्राईपॉड तोड़ दिया, इसलिए मैंने इसको माउंट नहीं दिया। मैंने बोला कि तू चल निकल, अब तू नया माउंट ले। साले मेरा माउंट लेके बोल रहा है। तो गाइस ये आप देख सकते हो मेरे हाथ में, ये रहा ट्राईपॉड लेकिन भाई इसका माउंट नहीं है। तो भाई अभी हम जाएंगे नेहरू प्लेस और वहाँ से परचेस करेंगे इसके लिए एक माउंट, जिससे कि भाई बड़े ही आराम से मैं व्लॉगिंग कर पाऊँगा। क्योंकि गाइस यार देखो, अगर ये होता है तो फ़ायदा होता है, कहीं पर भी हम रख कर भी शॉट ले सकते हैं। एक मैं अपने ले लूँगा कैप, क्योंकि गाइस यार बाल देख रहे हो, मतलब ऐसे में भी सही लगता है बिना कैप के, लेकिन यार बाल जो इधर से उधर भाई खराब हो जाते हैं, मुझे बहुत बेकार लगता है। लेकिन एक कैप लूँगा ना गाइस में, तो चलते हैं नेहरू प्लेस। फिर आपको वहाँ का कुछ दिखा भी दूंगा, वहाँ पे क्या क्या आपको एक्सेसरीज मिलती हैं, क्या क्या नहीं मिलती, वहाँ पर क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, सब कुछ आपको दिखा दूंगा। तो गाइस फिलहाल के लिए हम चलते हैं नेहरू प्लेस। तो गाइज हमने जो है नेहरू प्लेस में एंटर मार लिया है। तो फिलहाल यहाँ पे तो कुछ नहीं है क्योंकि ये बाहर का सीन है। अभी हम और अंदर की साइड जा रहे हैं और भाई अंदर क्राउड इतना है कि थोड़ी सी यार डर भी लग रहा है, मतलब व्लॉगिंग करने में। लेकिन फिलहाल भाई मैं डरने वाला हूँ नहीं, क्योंकि भाई व्लॉगिंग हमें करना है। और भाई आपको पता ही है कि व्लॉगिंग तो पब्लिक में ही हो सकती है, बाहर तो हो नहीं सकती। क्या बोला तूने? करना कुछ नहीं है, अपना सीधा कैमरे पे ध्यान रखना है और अपना व्लॉगिंग करते रहना है। तो भाई मैं आपको यहाँ पे कुछ शॉप दिखा देता हूँ। तो भाइयों अब हम आ चुके हैं नेहरू प्लेस के अंदर। आप देख सकते हो यहाँ पर पैंट्स की शॉप एंड यहाँ ट्राईपॉड, रिंग लाइट एंड भाई A to Z यहाँ पे जो चाहिए सब मिल जाएगा। कपड़े से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सामान तक सब कुछ मिल जाएगा भाई, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। समझ रहे हो, मतलब समझ रहे हो ना गाइज, यहाँ पे आपको मिलेगा सस्ता सबसे अच्छा। पहले आओ, पहले पाओ, सामान पाओ। तो गाइज अभी हम आए शॉप पे, फिलहाल यहाँ पे देख लेते कैसा सीन चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो पहले पूछते हैं और फिर रिकॉर्डिंग ऑन देते हैं। तो ये देख ही सकते हो, अभी देख रहे हैं अभिषेक। तो गाइज भाई देखो बात है, यहाँ पर भी वैसा ही माल मिल गया खराब था, ठीक है आगे चलते हैं। तो चलो आगे। तो गाइस इतनी मत सकत क्या बोला तूने? इतनी मुश्किलों के बाद आखिर मिल ही गया एक इसके लिए ट्राईपॉड, मिनी ट्राईपॉड आखिरकार इसके लिए हमने ढूंढ दिया।
तो अब मुझे भी एक माउंट की जरूरत है, तो जरूरत है, तो जरूरत है, तो जरूरत है, तो अब माउंट ढूंढते हैं। लाइक करो, फॉलो करो। तो गाइस अभी जो है हमने अपना सारा सामान ले लिया है, तो फिलहाल अभी तो जो है हम आए खाने, क्योंकि भाई भूख जो है, अबे रुक जा, क्योंकि भाई भूख जो है बहुत तगड़ी वाली लगी है। तो फिलहाल अभी तो जो हम आपसे खा पी के मिलते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या लिया है और क्या नहीं, ठीक है, खा के मिलते हैं। तो भाइयों यार हम जो है माउंट और अपने एक अरुण ब्रो के लिए, उसके लिए ट्राइपॉड खरीद के ला चुके हैं। और भाई अभी मौसम इतना तगड़ा हो रहा है, ये देख लो, मतलब भाई ये देखो अभी मौसम इतना तगड़ा हो रहा है कि भाई पूरा अंधेरा टाइप का हो चुका है, और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, बहुत तगड़ा मौसम हो रहा है भाई यार, देख रहे हो, मतलब ये देखो बादल, ओ भाई ये देखो बादल दिख रहा है, मतलब भाई बहुत ज़्यादा ही तगड़ा अभी का मौसम हो रहा है भाई, मज़ा आ रहा है। और इस वक्त हम इस्कॉन के पार्क में, ये तो खैर खाली पड़ा रहता है, कभी कभी भर जाता है, और आपको दूर दिख रहा है इस्कॉन, वो देखो तो किधर गया बोरा यार, वही बहुत बारिश तेज हो रही है भाई, हमें यहाँ पे फोटो ले पहले यार एक, भाई यहाँ से निकलना पड़ेगा बहुत जल्दी जल्दी, एकदम मस्त ठंडी ठंडा सा मौसम और एकदम मस्त सा बारिश हो रखा है, तेरे पे फोटो की पड़ी है भाई, अभी एकदम मजा आ रही है ना, मतलब भाई मैंने तुम्हें ना बैक कैमरे से यहाँ का व्यू दिखाता हूँ, कितना मस्त आ रहा है। और ये देखो भाई कितना तगड़ा लग रहा है सीन देखने में, मतलब देख रहे हो बादलों को पकड़म पकड़ाई खेल ले अपने में। भाई ये इस्कॉन का सीन देख रहे हो, कितना भूतिया सा लग रहा है सामने इस्कॉन, और भाई हवाएं देखो, और बारिश बारिश बहुत तगड़ा वाला हो रहा है इस टाइम पे भाई, और डर लग रहा है कहीं फोन का कुछ हो ना जाए। और भाई उधर देखो, उधर देखो तुम सब, उधर देखो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो उसके अंदर कितनी भीड़ लगी पड़ी है भाई, बहुत तगड़ी बारिश हो रही है, ओ भाई बहुत तगड़ा बारिश हो रहा है, देख सकते हो, देख रहे हो, देख रहे हो, मतलब देख रहे हो हम गीले हो रहे हैं, मज़ा कितना आ रहा है, लेकिन वीडियो बन रहा है और डर भी लग रहा है कि फोन का कुछ हो ना जाए। खैर छोड़ो भाई, बहुत तेज बारिश हो रही है, फोन को हम जा रहे रखने। तो भाई वो बात ऐसी पूरा हो चुके हम गीले, लेकिन यार मैं आपको ज़्यादा फन नहीं दिखा पाया, जब हम वहाँ पे थे ना अंदर की साइड, हमने भाई इतनी मस्ती करी नहीं दिखा पाया, क्योंकि यार बारिश बहुत तेज हो गई थी, और मतलब यार बहुत तेज हो गई थी, तो डर भी लग रहा था कि फोन कुछ हो ना जाए, फोन के लिए सेफ्टी भी नहीं था, और इसलिए सीधा मैंने डाल लिया बैग में, तो इसलिए हम शूट नहीं कर पाए। लेकिन भाई अभी आप जो है आप हमारा हाल देख सकते हो, क्या गीले हो चुके हैं हम सब, देख रहे हो मतलब, लेकिन यार मजा आ गया। We'll be right back.